हाय गाइस, हमारी थाईलैंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं रुका हूँ बैंकॉक थाईलैंड के एक 4-स्टार होटल प्रॉपर्टी में, जहाँ का एक दिन का स्टे 8,000 रुपए का है। माने को 8,000 रुपए, भाई क्या क्या खरीद सकते हैं हम उसमें। लेकिन रूफ टॉप व्यू देखो इस 8,000 रुपए के स्टे का। एक तो ये सुंदर इतना है यार, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। मेरे ख्याल से ये मुंबई है, ये बेसिकली थाईलैंड का मुंबई है यार। अरे वाह, सामने बैंकॉक की भी मेट्रो जाती है, सिटी लाइन बोलते हैं। अच्छा, तेरे को कैसे पता इतना सब? पे लिखा है। अरे वाह शानी। गाइस देखो, ये है पूल एरिया। यहाँ पर आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आ सकते हो, टू पीस में आ सकते हो और नहा सकते हो। इसका जिम सेक्शन देखते हैं। कमॉन, इतना ही है? कट गया यार। जिम सेक्शन है क्या? जिम सेक्शन है? 1, 2, 3, 4 मशीनें हैं गिनती की। सिर्फ इंडिया के होटल्स ही हमारा नहीं काटते, अब बैंकॉक वाले भी काटने लग गए हैं। चलो लगे आ, तो गाइस हमारा रूम भी चेकआउट कर लेते हैं, आ जाओ। ये देखिए यार, ये है हमारा होटल रूम जो कि हमारे इस 8,000 के स्टे में हमें मिला है। वो छोटा है ना, मतलब हर चीज बहुत छोटी छोटी है कंपेयर टू 8,000 रुपए जो ये हमसे चार्ज कर रहे हैं। ये देखो, मेरे ख्याल से बालकनी में भी, हाँ एज एक्सपेक्टेड, बालकनी में भी कोई व्यू नहीं है, सामने की दीवार दिख रही है बस और कुछ नहीं। इस छोटे से कमरे का छोटा सा वॉशरूम में, मतलब हट्टा कट्टा आदमी का निकल भी नहीं पाएगा। बेडिंग एरिया और ये है सिंक और बस। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, आई नो ये पूरे बैंकॉक में पॉपुलर है नहीं, बट एक सेल्फी स्टूडियो है। अच्छा अच्छा, जिसके अंदर प्रोफेशनल लाइटिंग लगी हुई है दोनों तरफ, आप सेल्फीज खिंचवा सकते हो इन प्रोफेशनल लाइटिंग। ट्राई करते हैं, पता नहीं, देखना पड़ेगा कैसे होगा और समझ लूँ किसी से। हाय, कैन यू टीच अस हाउ वर्क? फोटो क्लोज, टाइम ओपन, वेन ओपन, A o'clock. Thanks. पता नहीं यार। ये एक इंटरेस्टिंग सेक्शन मुझे दिखा है, थोड़ा सा अलग है इंडिया से। ये एक वेंडिंग मशीन, स्नैक्स है देखो कई तरह के और ज्यादातर तो नूडल्स हैं। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं 20 भाग। कहाँ से डालू? ओके, आ गया। बस इन्वेस्टिगेटर तरीके से आया है, वो नीचे नहीं गिरा, ये ऊपर गया है। हमारे यहाँ के कुरकुरे हैं, ये यहाँ के कुरकुरे हैं, मटर वाले, ठीक है? जैसे वो मूसली वाले मटर आते हैं, नमकीन वाले मटर हम लोग खाते हैं। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। आने वाले गेस्ट के लिए फ्री पॉपकॉर्न भी हैं। ये देखो, अभी कसम की बात बता रहा हूँ, अगर ये मैं PVR में खा रहा होता ना, तो कम से कम मेरे को 500 रुपए ले, अक्षी 500 रुपए तो ले लेते ना इस पॉपकॉर्न के। पता है हरामी है, शाणे ऐसा ले, प्लेट नहीं दी ताकि बंदा भर के ना ले जाए। दिए कप ही है छोटे छोटे, तो बेसिकली बटर पॉपकॉर्न है। मजा नहीं आ रहा है। दीज आर फॉर फ्री टू? यस, फ्री। ओके, क्या लगता है तेरे को ये क्या होगा? मैंगो स्टीट एंड ड्यूरियंस, अगर ये वाले फ्रूट्स अगर आप लेकर आ गए तो 5,000 baht का फाइन है। और मैंने पूछा क्यों, तो इन्होंने बोला कि उसकी स्मेल इतनी होती है कि वो हर जगह फैल जाती है। दो इंटरेस्टिंग चीजें हमारे स्टे में जो इंक्लूडेड है, एक है हेड एंड शोल्डर मसाज एंड सेकेंड इज थाई ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाएंगे। अक्षी, थाई ट्रेडिशनल ड्रेस मिलेगी आपको फ्री में, आ जाओ पता करते हैं कैसे। These are for free? Yeah, it's free. Can we get one for each? I'm sorry, we're gonna close it now because closing time. Can we just try if that's possible? Okay. वैसे तो हमारे टाइम में 4 बजे तक ये ड्रेसेस मिलनी थी, लेकिन हमारे टाइम में अभी भी 10 मिनट बचे थे। हरामी है साले, सालों ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं दे सकते। तो देखो आई 8,000 के स्टे को, मेरे ख्याल से बाकी चीज़ें तो इतना वर्थ नहीं कर पाए, लेकिन क्या ये ब्रेकफास्ट बफे वर्थ कर पाएगा या नहीं, चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। आ जाओ, ये रेड करी विथ चिकन, इंडियन करी, छोले है ना, छोलों को इंडियन करी। ये कैसा पराठा है इनका, पिछली बार पिछले होटल में भी ऐसा ही पराठा था यार, दिखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है। ये देखो गाइस, ये है डाइनिंग एरिया, यहाँ पे हमें बैठ के आप ब्रेकफास्ट खा सकते हो और ये सारा इंक्लूडेड है आपके 8,000 के स्टे में। ओट्स, चोकोस, यार ये मैंने लास्ट टाइम भी बफे में खाए थे, बड़े टेस्टी लगे थे मेरे को तो, इसी में अच्छा लगता है, मजा आता है। अगला दिखाते हैं और क्या, वो सुशी, ब्रेकफास्ट में सुशी। अच्छा, ये सारा भी, ये पूरा फ्रिज हमारा ब्रेकफास्ट बफे में है। ये देखो यहाँ पे चिकन दिख रहा है, पर ये रॉ चिकन है। ओहो, ये तो सारा हेल्दी खाना लग रहा है। एक्चुअली
और ये लास्ट ऊपर की टॉपिंग्स हैं क्योंकि ये साले फीका बनाते हैं हर चीज, तो आपको मिर्ची डालनी है तो ऊपर से डाल लो। चलो भाई, पहली चीज जो मैंने डाली है वो है यहाँ के छोले चावल। थाईलैंड में आके भी हम लोग खा रहे हैं छोले चावल, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता मेरे को अंडे ज्यादा सूट कर रहे हैं। एक्चुअली छोलों में बिल्कुल भी नमक नहीं है, थोड़ा सा नमक मुझे ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल ही फीके। यहाँ पे मोस्टली लोग जितने भी फॉरेनर्स हैं वो तो बॉल्ट मेरे ख्याल से खाते ही नहीं है, तो इसमें हल्का फुल्का नमक ऐड करेंगे और फिर खाएंगे इसको। अपने सीरियल्स इन्जॉय करते हैं कि आप दुनिया में इसको कहीं पर भी खा लो, इसका टेस्ट आपको सेम मिलेगा। तो ये एक तरह से सेफ ऑप्शन होता है हमारे लिए। ये जब देखो चाय ले आती है तो आक्षी ने ब्रेड लिया, सैलेड पड़े थे वो सारे सैलेड लिए और अपने लिए एक हेल्दी सैंडविच बना लिया। देखो आक्षी टेस्ट करा, तो बस ये सैंडविच और ये कॉर्नफ्लेक्स से गुजारा चलाऊंगा। बाकी आपको ये वीडियो देखकर मजा आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसको वीडियो को लाइक और अपना कमेंट छोड़ना जो भी आप सोच रहे हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना अगर आपको थाईलैंड की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है। आगे हम पूरा थाईलैंड एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय।